पुलिस आमजन को नशा न करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। इसी के तहत दबोह निरीक्षक राजकुमार शर्मा और नायब तहसीलदार अमित दुबे द्वारा नगर के छात्र छात्रों स्टाफ के साथ नशा मुक्ति अभियान, टू व्हीलर वाहन पर हेलमेट पहनकर चलने संबंधी अभियान को लेकर विस्तार से संवाद किया गया। इस मौके पर नगर की 2000 छात्र छात्राओं ने शपथ ली। वह अपने परिजनों को हेलमेट पहने बिना वाहन नहीं चलाने देने तथा साइबर क्राइम से बचने के लिए दी जा रही शासन की गाइडलाइन का अक्षत पालन करने को कहा गया। इस कार्यक्रम में नगर दबोह के समस्त शासकीय अशासकीय स्कूल कोचिंग संस्थान के समस्त छात्र छात्राओं के साथ स्टाफ जन उपस्थित रहे। उसके साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी पीयूष बिथरिया, शैलेश कुरचानिया, प्राचार्य जे एस निराला, अनिरुद्ध मुद्गल, कल्याण कौरव, कप्तान कौरव और जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजा भैया पाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। भिंड से पीयूष बिथरिया की रिपोर्ट। अब क्या है कि अपराध का स्वरूप धीरे धीरे बदल चुका है। पहले जो स्वरूप होते थे उसमें अब साइबर का एक बहुत बड़ा अपराध है। सबसे बड़ी संख्या साइबर अपराधों की यही है। उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि लोगों में नियमों की जागरूकता की कमी है, कि लोग समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से बहला फुसला के ठगा जा रहा है। OTP के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से हमारी कोई भी निजी जानकारी हमें कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में सभी छात्रों को, अभिभावकों को, गणमान्य नागरिकों को बताया गया है, जिससे बेहतर रिजल्ट आए। दुबे जी, किन नियमों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम है, कौन कौन से नियम बच्चों को बताए गए हैं? राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा हेलमेट एवं यातायात संबंधी अभियान, नशा मुक्ति अभियान बड़ी जोर जोर से चलाया जा रहा है। उसी के तहत यातायात एवं हेलमेट लगाने संबंधी जो नियम है और नशा मुक्ति अभियान के तहत ये हमने शिविर का आयोजन किया है और ये प्रयास किया गया है जो बच्चे हैं और जो समाज के दर्पण हैं, जो देश की भविष्य हैं, उनको इस नियमों का पालन कराने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। सर, साइबर अपराध भी बढ़ता जा रहा है, इस बारे में क्या है? ऑनलाइन ठगी है, ऑनलाइन ठगी के लोग लोकल में शिकार हो रहे हैं। अभी वर्तमान में साइबर अपराध अधिक से अधिक हो रहे हैं, उसके तहत भी आज इस शिविर में जागरूकता लाने का प्रयास हम कर रहे हैं और हमने ऐसी पैम्पलेट छपा कर बच्चों को वितरित किए हैं, आवंटित की गई है, जो कि साइबर अपराध की जन्मदाता है, जो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने का हमने भरपूर प्रयास किया है और मुझे आशा है कि बच्चे उस पैम्पलेट को पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे। पुलिस लगातार रोको टोको अभियान चला रही है, हेलमेट पहनने के लिए अपील कर रही है बार बार, उसके बाद भी लोग सुधार नहीं ला रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, ये नहीं कह सकते सुधार आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। कोई भी अगर मूवमेंट होता है, कोई भी अभियान हम शुरू करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट तत्काल नहीं मिलता है, धीरे धीरे उसका उसमें सुधार आएगा और हेलमेट लगाना लोग शुरू करेंगे। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहोगे? मेरी जनता और बच्चों से यही अपील है कि 100% हेलमेट का प्रयोग करें और जब भी बाहर निकले हेलमेट लगा कर ही निकलें और नशा मुक्ति अभियान के तहत जो तम्बाकू है, इसमें गांजा, इसका उपयोग करना पूर्णतः बंद हो जाए।